खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस, इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और पलाश मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है, तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस मूवी का 5वां सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस, आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। और गाइस, मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस, इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं
कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और भाई इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गई इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गई अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गई इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गई अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गई इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम। और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी। और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर।
और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है, तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पाँचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही
बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का 5वां सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहां लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला,
और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइज इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है, तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहां लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर।
और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है, तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पाँचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही
बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का 5वां सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहां लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया,
और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम। और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी। और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है दिग्विजय सिंह ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और प्लास मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइज इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइज इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है, तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर।
और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहां लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही
बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस मूवी का पाँचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं। मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला,
और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पाँचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइज इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और प्लास मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का 5वां सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर।
और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही
बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया,
और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस मूवी का पाँचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइज इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का 5वां सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर।
और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है, तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही
बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पाँचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं। मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया,
और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम। और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी। और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं। मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और प्लास मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम। और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी। और गाइस मूवी का पाँचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं। मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में।
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइज इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं। दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का 5वां सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर।
और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बव्वा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहां लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है, लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने और शैलेंद्र तिवारी ने और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसवीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने और पलाश मुच्छल ने और हनीफ शेख ने और प्रवीण मनोज ने, और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही
बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला, और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं। मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं युवा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है और प्रोड्यूस किसने किया है, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है जसबीर भट्टी ने, और गाइस इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो किया है वो किया है धर्मेंद्र वी सिंह ने, और शैलेंद्र तिवारी ने, और भूपेंद्र सिंह ने। और गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है जसबीर भट्टी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अनिल डी जेठानी और चंद्रेश डी जेठानी। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा, जिम्मी शेरगिल और अर्चना पूरन सिंह, और संग्राम सिंह और अरुण नागर। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है दिग्विजय सिंह ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है प्रशांत सिंह राठौर के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं राशिद खान ने, और प्लास मुच्छल ने, और हनीफ शेख ने, और प्रवीण मनोज ने। और इस मूवी को जो ओरिजिनल स्कोर दिया है वो दिया है हनीफ शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है धनराज फिल्म्स। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीजिंग डेट की, तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 जून 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, अनिल, विक्रम, सलमान और दीनबंधु दिल्ली NCR के विद्रोही बवा हैं, दुनिया उनके चरणों में है और चिंता की कोई बात नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना अपने रास्ते में हर चीज़ को टटोलते हैं। जब पांचों को कॉन्वेंट स्कूल की पूरी तरह से नई दुनिया में रखा जाता है तो उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ लक्ष्य केवल रोमांस खोजने के लिए जीवित रहना और पनपना है। लेकिन एक रात उनका सामना भयानक घटना से होता है जो उन्हें कानून के हाथों में डाल देती है। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है क्योंकि उन्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने के लिए न्याय और नैतिक अखंडता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, जिसमें कि गाइस पहला सॉन्ग है जियो लल्ला,
और दूसरा सॉन्ग है इश्क फोबिया, और तीसरा सॉन्ग है वंदे मातरम, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है नेतानी, और गाइस इस मूवी का पांचवा सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग है इश्क फोबिया क्यों। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के, और गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5 अंक, जो कि ना ज़्यादा ख़राब हैं और ना ज़्यादा अच्छे हैं, मीडियम रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए।